हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग थर्ड स्टैंडर्ड ऑनलाइन क्लासेस में हैं। आज हम लोग सीखेंगे मैथ्स। मैथ्स में आज हम लोग टेक्स्ट बुक सीखेंगे, गिव एंड टेक चैप्टर 3। तो क्या लिखा है, आई एम किट्टू। ये देखो किट्टू का पिक्चर। दिस इज़ माई होम, ये उसका होम है। मतलब आप ये बॉक्स देख पा रहे हो, ये उसका होम है। इज़न्ट इट ह्यूज, ये क्या बड़ा नहीं है। इट वॉज 100 रूम्स, इसमें टोटल 100 रूम्स है। मतलब 100 नंबर जो है ये उसका रूम्स है, ठीक है। हेल्प मी इन पेंटिंग सम ऑफ द रूम्स, आप मुझे हेल्प करो पेंट करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग स्टूडेंट्स पहले पढ़ लेते, फिर उसके बाद हम लोग समझना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या बोल रही है कि टू, आई स्टार्ट फ्रॉम रूम 2, मैं रूम नंबर 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। आई एड 10 to 2 रीच रूम 12 एंड पेंटिंग, मतलब मैं 12 नंबर तक जाऊंगी। मैं कमरे 12 तक पहुंचने के लिए 10 से 2 जोड़ता हूं, ठीक है। तो देखो ऐसे इतना तक आया, फिर ऐसे होके 12 नंबर तक आया। 10 से लेके 2 नंबर जो ऐड किया, मतलब वो 12 पहुंच गया। तो स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रखना है, जब हम लोग सोचो हम लोग 25 नंबर चूज़ कर रहे, ठीक है। 25 से हम लोग मुझे 35 में जाना है, ठीक है। तो मैं हम लोग राइट साइड से जा सकते, तो राइट साइड का जो बॉक्स होगा, एक एक बॉक्स हम लोग 1 1 1 काउंट करेंगे, ठीक है। जब लेफ्ट साइड पे जाएंगे तब भी हम लोग 1 1 1 काउंट करेंगे। जब राइट साइड पे जाएंगे 1 1 काउंट करेंगे तब होगा प्लस। जब हम लोग लेफ्ट साइड पे जाएंगे 1 1 बॉक्स तब हो जाएगा माइनस। जब हम लोग जंप करके ऊपर जाएंगे, ऊपर जब आप जाओगे ना एक रोप पे, तो एक बॉक्स आप लोगों को 10 पकड़ना है, 10 प्लस होगा। जब ऊपर जाओगे आपको 10 पकड़ना है बॉक्स और वो प्लस होगा। अब जब नीचे एक बॉक्स आओगे 10 ही पकड़ना है, तब हो जाएगा सबस्ट्रैक। तो आप अच्छे से और एक बार सुन लो स्टूडेंट्स, 25, ठीक है। हम लोग 25 नंबर को चूज़ कर रहे, ठीक है। बाद में हम लोग दूसरा नंबर पे आएंगे, जैसा ही बुक्स में लिखा रहेगा हम लोग को समझेंगे, फिर मैं आपको समझाने के लिए पहले ही बता रही हूँ, ठीक है। सोचो मुझे 35 में जाना है, ठीक है। तो हम लोग एक जाम करके 35 जा सकते। तो आप जब जाम करोगे ये 35 आपको 10 नंबर पकड़ना है, एक रो एक बॉक्स। अब जब ऊपर जाओगे एक बॉक्स आपको 10 पकड़ना है, और ऊपर जब होगा तब हो जाएगा प्लस, और आप जब नीचे आओगे तब हो जाएगा माइनस। आप जब राइट साइड में जाओगे तब हो जाएगा प्लस, अब जब लेफ्ट साइड में आओगे हो जाएगा माइनस। अब जब राइट साइड में आओगे तब आपको 10 10 10 नहीं काउंट करना है, तब आपको एक एक बॉक्स 1 1 1 काउंट होगा। लेफ्ट साइड में भी 1 1 1 काउंट होगा। अब जब ऊपर जंप करोगे तब आपको 10 काउंट करना है, जब नीचे जंप करोगे नीचे आओगे तब आपको 10 काउंट करना है। जब आप राइट साइड पे जाओगे तब हो जाएगा प्लस, जब लेफ्ट साइड में आओगे हो जाएगा सबस्ट्रैक्ट। अब जब ऊपर जाओगे, ऊपर जा रहे हो तब होगा प्लस, अब जब नीचे आओगे तब हो जाएगा माइनस, मतलब सबस्ट्रैक्ट, ओके। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलो हम लोग 2 नंबर से स्टार्ट किया था, फिर आई एड 10 to 2 रीच रूम 12 एंड पेंटेड, मतलब मैं कमरे 12 तक पहुंचने के लिए 10 से 2 जोड़ता हूँ, ठीक है। देखो तो 2 से चालू किया, ये गया 10 से और 2 जोड़ लिया, हो गया 12। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, टू एट 10 to 2 वी कैन गो ऑल द वे टू द राइट टू 10, देन अप टू 11 एंड 1 स्टेप राइट टू 12। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, 2 के साथ 10 ऐड करने में हम लोग सब घर होकर 11 नंबर घर तक जाके 1 स्टेप आगे 12 नंबर तक पहुंच सकता हूँ। मतलब देखो जैसे हम लोगों मैं अभी आपको समझाया, गया फिर 11 नंबर पहुंच गया फिर 12 नंबर में पहुंच गया, ठीक है। और एक तरीका है, जैसे वो 2 से डायरेक्टली 12 पे जंप कर सकता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है, दिस इज़ 1 वे टू गो फ्रॉम 2 to 12। इसका मतलब क्या हुआ, मैं
ये 2 से 12 तक जाने का और एक तरीका है, जो तरीका मैं आपको दिखा दिया, जाम वाला ऊपर। अब अभी ये इतना तक हम लोगों ने राइट साइड से लेकर ये नंबर तक गया, मतलब 1 1 1 काटते काउंट करते हम लोग 12 नंबर पहुंचा। अभी ये जो बोल रहा है इसमें क्या लिखा है, दिस इज़ 1 way टू ग्रो फ्रॉम 2 to 12। अभी मैं आपको पहले ही जैसा समझाया, हम लोग 12 नंबर तक भी जाम कर सकते हैं। क्या लिखा है, इज़ देयर ए शॉर्टकट, ये क्या शॉर्टकट हो सकता है, ऑफ कोर्स फॉलो मी, ये शॉर्टकट हो सकता है, आप मुझे फॉलो करो। तो ऐसे ही जाम करके ऊपर जाने का बात बोला, तो ये जाम करके ऊपर जाएगा मतलब शॉर्टकट हो जाएगा। वी कैन जाम अप ऑन रो, मतलब आप एक रो जाम करो, ठीक है। तो अभी लास्ट क्या लिखा है, ए जाम फ्रॉम 2 to 12 इज़ लाइक टेकिंग डैश स्टेप, मतलब आप 2 से 12 पे गए हो तो आप कितना स्टेप जाम किए हो। तो स्टूडेंट्स मैं आपको पहले ही बता दिया, आप जब ऊपर जाम करोगे तब एक रो आपको 10 पकड़ना है ना। तो हम लोग एक स्टेप जाम किया, मतलब इसमें कितना स्टेप आएगा, 10, मतलब हम लोग एक बॉक्स जाम किया, एक रो जाम किया, बॉक्स भी बोल सकते हो आप, रो भी बोल सकते हो। तो एक रो जाम किया मतलब कितना स्टेप हो गया, 10। अगर ये राइट साइड पे होता तो कितना काउंट होता, 1 2 3 4 ऐसे काउंट होता। जब ऊपर जाओगे 10 10 10 आपको काउंट करना है, ठीक है, जब नीचे आओगे आपको 10 10 10 काउंट करना है। अब जब राइट साइड पे जाओगे तब आपको 1 1 1 काउंट करना है, तब हो जाएगा प्लस। अब जब लेफ्ट साइड पे आओगे तभी 1 1 1 काउंट करना है, हो जाएगा सबस्ट्रैक्ट। जब ऊपर जाओगे जंप करके एक बॉक्स मतलब 10 प्लस 10, जब 2 से इधर तो 2 नहीं, 2 का नीचे है नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ, जब नीचे आओगे तब हो जाएगा 10 10 10 सबस्ट्रैक्ट होता रहेगा, ठीक है। रोज जितना 10 सबस्ट्रैक्ट 10 ऐसा 10 10 10 सबस्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इतना तक तो मैं आशा रखती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग नेक्स्ट पेज चलते हैं। नेक्स्ट पेज है स्टूडेंट्स पेज नंबर 30। तो इसमें क्या लिखा है, नाउ ट्राई 1 जंप अप फ्रॉम 14। तो देखो इसमें क्या लिखा है, 14 प्लस 10 24। तो आपको ये बॉक्स में दिखाना है, ठीक है। तो आपको बॉक्स में कैसे करके करना है, ये हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से, ठीक है। जो एग्जांपल पे दिया गया है बुक्स में, हम लोग एग्जांपल में से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, 14 प्लस 10 इक्वल टू 24, हम लोगों को बॉक्स में दिखाना है, ठीक है। तो आप 14 नंबर ढूंढो पहले, ये रहा 14, ठीक है। 14 से आपको 10 ऐड करना है, तो उसका आंसर 24 आना चाहिए। देखो हम लोग एक नंबर एक रो जाम कर लिया तो आ गया हम लोग 24 में, हो गया ना इसके आंसर 24। तो ऐसा करके अब जितना मैथ दिया गया है, जितना क्वेश्चन दिया गया है, हम लोगों को ऐसे बॉक्स करते करते हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलो हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, हाउ विल आई ग्रो फ्रॉम 22 to 41, जाम फ्रॉम 22 to 42, देन 1 स्टेप लेफ्ट, वी कैन राइट इट लाइक दिस। तो स्टूडेंट्स हम लोगों को बॉक्स देखना पड़ेगा, 22 से आपको 20 प्लस करना है, मतलब वो रो जाम करके जाना है, उसका आंसर 42 आना चाहिए। फिर 42 आने के बाद हम लोग एक नंबर लेफ्ट लेंगे, लेफ्ट बोला है मतलब आपको सबस्ट्रैक्ट करना है, तो हम लोग 41 पे आएंगे। फिर उसके बाद ये नीचे जो आंसर क्वेश्चन दिया गया है, हाउ मनी स्टेप डिड आई गो इन ऑल, अब कितना स्टेप गए हो, ये आपको आंसर में फिर देखने के बाद मैं आपको बॉक्स समझाऊंगी, फिर उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा ये 21 क्यों हुआ। चलो हम लोग पहले बॉक्स देखते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला गया था स्टूडेंट्स, हम लोग साइड पे लिख लेते हैं पहले, 22 प्लस 20 इक्वल टू 42 आना चाहिए। फिर 42 सबस्ट्रैक्ट 1 इक्वल टू 41 आना चाहिए। तो हम लोग 22 प्लस 20 पहले कर लेते, तो आपको 22 नंबर देखना पड़ेगा, ये रहा 22, आपको कितना रो जाम करना है, 20, तो हम लोग 10 10 गया।
रोपे गया आंसर मैच हो गया 42 है ना। अभी 42 सब्सट्रैक्ट 1, आपको 42 से 1 सब्सट्रैक्ट करना है। मैं आपको पहले ही बता दिया, हम लोग जब लेफ्ट साइड पे आएंगे तब आपको 1 बॉक्स, जो बॉक्स हम लोग क्रॉस करके जाएंगे उसको 1 पकड़ना है, और लेफ्ट साइड पे जा पाएंगे उसको सब्सट्रैक्ट पकड़ना है। तो 42 सब्सट्रैक्ट 1 बोल रहा है, तो आपको ये तो 42 पे हम लोग पहुँच गए हैं, ठीक है, इसके आंसर के साथ ये आंसर मैच हो गया। लेकिन 41 कैसा होगा अभी, तो देखो हम लोग 1 सब्सट्रैक्ट करना है, हम लोग 42 से 1 सब्सट्रैक्ट कर लिया, मतलब 1 बॉक्स लेफ्ट में आया, तो उसका आंसर हो गया 41। देखो 41 मैच हो गया, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन पे क्या हो रहा है, आप बुक्स देखना स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टेप डिड आई गो इन ऑल, हम लोगों ने कितना स्टेप जंप किया, ठीक है। तो देखो इसमें 22 से हम लोग स्टार्ट किए थे, 22 हम लोग 42 पर गए हैं, 10 स्टेप कितना हो गया 20 42 जब पहुंच गया मतलब 20, और लेफ्ट साइड में एक लिया था तो इसका 1 आपको काउंट कर लेना है 1, तो कितना हो गया 21। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर 21 ऐसे आया, ठीक है। देखो इसका आंसर 21 ऐसे आ रहा। अभी नेक्स्ट 22 क्या लिखा है, यू कोल्ड ऑल्सो गो दिस वे फ्रॉम 22 टेक 1 स्टेप लेफ्ट टू 21 देन 2 जंप अप टू 41, मतलब आपको 22 से 21 एक नंबर सब्सट्रैक्ट करके 21 पे जाना है, फिर जब 21 हो जाएगा 21 से आपको 20 प्लस कर 41 पे आना चाहिए, मतलब ये क्वेश्चन जो आंसर दिया गया है इसके साथ मैच होना चाहिए। चलो आप बुक्स अच्छे से देखते रहो, और ये बॉक्स में आपको समझा रही हूँ, ये आप अच्छे से ध्यान से देखो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या था, बुक्स में क्या लिखा है, 22 - 1 इक्वल टू 21 नंबर मैच होना चाहिए, फिर 21 जब हो जाएगा 21 प्लस 20 ये प्लस है, 21 प्लस 20 इक्वल टू 40, ठीक है। पहले हम लोग ये इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। 22 सब्सट्रैक्ट 1, तो आपको 22 जाना पड़ेगा, 22 नंबर देख रहे हो आप, 22 सब्सट्रैक्ट बोल रहा है मतलब हम लोग लेफ्ट साइड में जाएंगे 1, हम लोग जब लेफ्ट साइड पे बॉक्स में जाते हैं तब 1 काउंट करते हैं, सब्सट्रैक्ट 1 21 मैच हो गया आंसर के साथ। अभी 21 प्लस 20 प्लस करने के बाद आपका आंसर 41 आना चाहिए, ये 41 आना चाहिए, ठीक है, इसका आंसर 41 आना चाहिए। चलो हम लोग 21 से 20 तक जंप करते हैं, मतलब हम लोग 10 करके दो रो जंप करेंगे, ठीक है। 10 ऊपर हम लोग जब जाएंगे तब आपको क्या बोला मैं, 10 रो कर 10 पकड़ना है, 10 प्लस 10 हो गया 20, तो क्यों आंसर मैच हुआ 41 पे आए हम लोग 41, तो इसके साथ इसका आंसर मैच हो गया। तो ऐसे करके ये 2-3 एग्जांपल बुक्स में दिया गया है आपको समझने के लिए, तो ये मैं आशा रखती हूँ आपको समझ में आ गया है। अभी जो क्वेश्चन आंसर है बुक्स में नहीं है, हम लोग ऐसे बॉक्स में से हम लोग इसका आंसर निकालेंगे, ओके। चलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज में किट्टू क्या बोल रही है, देखो, फाइंड माई फूड ट्राई दिस ऑन किट्टू होम, तो जो बॉक्स है वो तो किट्टू का होम है, हम लोग को पहले ही मैं आपको पहले ही बता दिया। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, हाय आई हैव समथिंग मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू, माँ टोल्ड मी, मम्मी ने मुझे कहा, देयर आर स्वीट्स टू ईट इन सम रूम्स, कुछ रूम पे स्वीट्स रखा हुआ है, तो हेल्प मी फाइंड दैट रूम, आप मुझे हेल्प करोगे, ओ द आंसर फ्रॉम द नेक्स्ट पेज, ये मतलब नेक्स्ट पेज में बॉक्स है, ये बॉक्स से आप करो, तो आप जब बुक्स टेक्स्ट बुक खोल के बैठे हो तो आप देख ही पढ़ोगे, तो द आंसर फ्रॉम द नेक्स्ट पेज विल हेल्प यू फाइंड दैट रूम, तो आपका आंसर वो नेक्स्ट पेज में से ढूंढ कर, मतलब जो बॉक्स है ये बॉक्स में आपको मैं आपको जैसे समझाएं ऐसा करके करते आप उसका आंसर निकालोगे, ठीक है। चलो इसमें क्वेश्चन 1 में क्या लिखा है, क्वेश्चन ए, 10 लेस देन 34 इज, 34 से आप 10 सब्स लेस बोला मतलब सब्सट्रैक्ट हो जाएगा,
सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, क्या कैसे करके बॉक्स में करोगे? चलो इसका आंसर क्या होगा, तो आपको ऐसा डायरेक्टली 34 सब्सट्रैक्ट 10 ऐसा नहीं करना है, आपको बॉक्स में पहले समझना है, फिर उसके बाद आप जो आंसर आएगा बॉक्स में वही आंसर आप बुक्स में लिखोगे। डायरेक्टली आप 34 से 10 सब्सट्रैक्ट नहीं करोगे, ठीक है? चलो क्वेश्चन क्या है, 34 सब्सट्रैक्ट 10 इसका आंसर कितना आना चाहिए, ठीक है? तो हम लोग 34 पहले देख लेंगे, 34 ये रहा, इससे 10 आपको सब्सट्रैक्ट करना है, 10। तो हम लोग जब 10 सब्सट्रैक्ट करते हैं तब हम लोग नीचे आते हैं, जब ऊपर जाता है 10 प्लस होता है, जब हम लोग नीचे आते हैं तब 10 सब्सट्रैक्ट होता है, हम लोग जब राइट पे जाता है तब 11 प्लस होता है, जब लेफ्ट में जाते हैं तब 11 सब्सट्रैक्ट होता है। तो ये क्या लिखा है, 34 सब्सट्रैक्ट 10, तो इसका आंसर क्या होगा? चलो 34 आ गए हैं हम लोग, 10 सब्सट्रैक्ट करना है मतलब नीचे आना है, वन रो नीचे आए तो कौन सा नंबर मिला, 24। तो क्वेश्चन नंबर ए का आंसर हो जाएगा 24। अभी क्वेश्चन नंबर बी आप बुक्स में अच्छे से ध्यान रखो, बी में क्या लिखा है, 53। क्वेश्चन नंबर बी में लिखा है 53 सब्सट्रैक्ट 20, तो इसका आंसर क्या आएगा? चलो हम लोग 53 नंबर पर चलते हैं, 53 किधर गए, ये है 53 से आपको 20 सब्सट्रैक्ट करना है, मतलब 2 रो आपको नीचे आना है, तो 2 10 सब्सट्रैक्ट 10 कितना नंबर आ गया, कितना नंबर पे आए हम लोग, 33, तो इक्वल टू 33 आ गया, ओके। अभी नेक्स्ट नंबर आप क्वेश्चन नंबर सी, इसमें क्या लिखा है, 11 मोर देन 31 इज, मतलब मोर बोला है मतलब प्लस हो जाएगा, 31 से 11 आपको प्लस करना है, ठीक है, 31 प्लस 11 इसका आंसर हम लोगों को ये बॉक्स में से निकलना है। चलो हम लोग 31 पर चलते हैं, 31 प्लस 11 मतलब आपको एक रो जम करना है, एक रो मतलब 10 नंबर हो गया, 10 मतलब 41 हुआ, और 10 में से और एक नंबर अभी भी ऐड करना बाकी है, क्योंकि इसमें 11 लिखा है, हम लोग 10 ऐड किया तो और एक नंबर ऐड करना बाकी है, तो एक नंबर का बॉक्स कौन से साइड पे जाता है, राइट साइड पे, हम लोग एक नंबर पे आ गए, हो गया 42, ओके। हम लोग राइट साइड जब काउंट करते हैं तब 1 काउंट करते हैं, 10 31 से लेकर हम लोग एक रो जंप किया मतलब 41 पे आ गए, इसमें 10 हम लोगों ने जंप किया और एक जंप और एक काउंट करना बाकी है, तो हम लोग राइट साइड पे चले गए हैं, 10 के साथ 1 प्लस कर लिया तो हो गया 42, ओके। क्वेश्चन सी का आंसर हो जाएगा 42। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर डी में क्या लिखा है, आप बुक्स देखोगे, 11 लेस देन 66 इज, मतलब लेस बोला है मतलब आपको सब्सट्रैक्ट करना है, 66 सब्सट्रैक्ट 11 कितना आंसर हो जाएगा, तो आपको 66 देखना है, ये रहा 66, 11 सब्सट्रैक्ट मतलब हम लोगों को नीचे आना है, एक रो नीचे आना है, 66 से हम लोग कितना सब्सट्रैक्ट किया, 10 ही सब्सट्रैक्ट किया, मतलब एक बॉक्स मतलब 10, ठीक है, अभी भी 1 सब्सट्रैक्ट करना बाकी है, ठीक है, तो 56 से 1 सब्सट्रैक्ट कर दे लेफ्ट साइड में, हम लोग जब ही बोला जब सब्सट्रैक्ट हुआ कि आपको लेफ्ट साइड में आना है, लेफ्ट साइड में आ गए है तो 1 सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो इसका आंसर कितना रहा, ये देखो 55 लिखा है, तो इक्वल टू 55, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी का आंसर हो जाएगा 55। अभी क्वेश्चन नंबर ई, आप बुक्स चेक करते रहो, 62 प्लस 13 इसका आंसर आपको लिखना है, क्वेश्चन नंबर ई का 62 प्लस 13 इसका आंसर आपको निकलना है। 62 पर हम लोग आए हैं, 13 मतलब हम लोगों को 13 ऐड करना है, एक रो हम लोग ऊपर चले जाएंगे, मतलब 10 ऐड हो गए ऑलरेडी, अभी भी 3 ऐड करना है, 1 2 3 कितना आंसर आ गया, 75 इक्वल टू 75, क्वेश्चन ई का आंसर हो जाएगा 75, ओके। ये 7 है स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से देखना है, ठीक है, इक्वल टू 75।
35। अभी क्वेश्चन नंबर एफ, क्वेश्चन नंबर एफ, ठीक है, इसमें क्या लिखा है, 23 लेस देन 89 इज डैश, मतलब लेस बोला है मतलब सब्सट्रैक हो जाएगा, तो 89 से आपको 23 सब्सट्रैक करना है, 89 सब्सट्रैक 23, इसका आंसर हम लोग ये बॉक्स में से निकालेंगे, ठीक है। तो आपको 89 पर देखना पड़ेगा, ये रहा 89, कितना सब्सट्रैक करना है 23, हम सब्सट्रैक जब भी होगा तब हम लोग रो का नीचे आएंगे, नीचे बॉक्स में आएंगे, 20 सब्सट्रैक हो गया, अभी भी 3 सब्सट्रैक करना बाकी है, ठीक है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट साइड पे चलते हैं, 1 2 3, कितना नंबर पे आकर पहुँचे हम लोग, 66, मतलब इसका आंसर हो गया 66। एफ नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो गया 66। ऐसे ही हम लोग 10 एंड 40 मोर इज, मोर बोला है मतलब प्लस हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर जी, ठीक है, 10 एंड 40 मोर इज, तो 40 से आपको 10 प्लस करना है, 40 प्लस 10, तो आपको 40 नंबर तक जाना है, पहले जाना है 40 नंबर पे आपको पहुंचना है, ठीक है। तो आपको 40 नंबर पहले ढूंढना पड़ेगा, तो आप देखो स्टूडेंट्स 40 नंबर ये रहा, ठीक है। तो क्वेश्चन पे क्या लिखा है, 40 प्लस 10 इक्वल टू कितना होगा, ये 40 है, ठीक है। तो 40 नंबर ये रहा, 40 प्लस 10, देखो हम लोग एक रो जंप कर लेंगे, तो एक रो जंप कर लिया मतलब कितना, कौन से नंबर पे आकर पहुँचे हम लोग, 50, तो इसका आंसर हो गया 50। अभी जी के बाद क्वेश्चन नंबर एच पे भी ऐसा करके करना है आपको, 28 + 9 added to 28 gives, मतलब प्लस हो जाएगा, ओके, तो 28 + 9, ठीक है। तो हम लोग 28 नंबर ढूंढेंगे, 28 नंबर आपको ढूंढना है, ये रहा 28 + 9, मतलब हम लोग रो और जाम नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग जब ऊपर रो जंप करते हैं तब हम लोग 10 पकड़ते हैं, अभी 9 बोला है मतलब आपको राइट साइड में जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर पे जब हम लोग आए हैं, कौन सा नंबर है, 37, तो आपको 9 बोला है मतलब आपको और जंप नहीं करना है, राइट साइड से आपको जाना है, ठीक है। 29 के बाद 30 31 32 33 34 35 36 37, 9 नंबर तक हम लोग को काउंट किया, तो इसका आंसर आ गया 37, ओके। नीचे जितना भी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स सब ऐसा ही है, आपको ऐसे करके कंप्लीट करना है। चलो अभी हम लोग जितना तक किए हैं इसका आंसर हम लोग बुक में एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर एक ए आपको मैं समझा दिया था, इसका आंसर 24 रहा, फिर बी समझाया था 33, सी समझाया था इसका आंसर भी 42, नेक्स्ट पेज क्वेश्चन नंबर डी 66 सब्सट्रैक्ट 11 55, ई समझाया था 62 + 13 75, फिर एफ समझाया था, जी भी समझाया आपको, एच भी समझा दिया। अभी आई का बारी है, आई में क्या लिखा है, द सम ऑफ 9 एंड 44 इज, इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, प्लस करना पड़ेगा, क्या लिखा है, 44 से प्लस 9 आपको करना है, तो देखो ये रहा बॉक्स, तो आपको 44 में जाना है, ये तो आपको मैं समझा दिया, अभी 44 + 9 53 आता है, ये तो मैं आपको अभी समझाया, फिर आई नंबर तक मैं आपको समझा दिया, अभी फिर देखो।